भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, राजस्थान में भ्रष्टाचार है कांग्रेस के राज में। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तो तीनों में से किसकी तरफ आप लोग ज्यादा जाएंगे, भरोसा किस पर है? सर दो से तो हम परेशान है बिल्कुल, अब तीसरी को पता नहीं, वो आएगा जब पता लगेगा। तो दो से तो कांग्रेस, और तीसरी बड़ी बात पानी नहीं है, पानी की परेशानी है, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों की पढ़ाई और दवाई, ये दोनों कैसी चल रही? आ जाते हैं मास्टर टांग के ऊपर टांग धर, सो जाते हैं घर चले जाते हैं, टांग के ऊपर टांग धर चले जाते हैं, सब स्कूल में सो जाते हैं। हजारों का कर्जा मतलब रोते हुए बच्चों को चॉकलेट खिलाने जैसा है। इस हमारे हिंदुस्तान में 75% किसान अभी भी कर्जे में डूबे हुए हैं। देखिए क्या है, बच्चा रो रहा है, बच्चों को चॉकलेट देके चुप करो, वैसे कुछ चंद किसानों को क्या करते हैं, कर्जा माफी करते हैं और मीडिया में ये दिखाते हैं कि चलो हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। किसान कितना खुशहाल है, सच सच बता दीजिए। सबसे हबड़ थबड़ हो रहा है साहब, अब सबका गठबंधन है, कुछ लेना देना नहीं, किसान का गठबंधन है पूरा, किसान का कोई भी सुध लेने वाला नहीं लेते हैं। वोट की टाइम तो सब ले लेते हैं और वोट पड़े बाजी कुछ नहीं है। अब तो सब अबड़ थबड़ हो रहे हैं, नेतान सब हो रहे हैं। ये यार सीपी के लिए भी जोड़ जा रहा है, कोई मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहा सर, ये 10-12 है इनको जोड़ा जा रहा है, इनको कोई मंत्री ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब जनता ठगी महसूस कर रही है, ठगी महसूस कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं नवदर्पण न्यूज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक सेंचुरी पूरी कर ली है, एक मील का पत्थर साबित कर दिया है, इतिहास में उनके नाम दर्ज हो जाएंगे हमेशा के लिए, लोग उन्हें इस यात्रा के लिए जानेंगे। बहरहाल यहाँ पर देखिए कि तमाम सारे लोग खड़े हैं और राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सभी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसे हम एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो इनके राहुल गांधी को लेकर जो प्रेम है, जो भक्ति है इतनी ज़्यादा, वो क्या वजह है ऐसी जिसकी वजह से आकर्षित होते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर अपना काम काज छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं। शुरुआत सर आपसे ही करते हैं, ये बताइए कि ऐसी क्या चीज़ें आप देखते हैं इस सरकार में और खास करके इस यात्रा में जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है? सर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में महंगाई बढ़ा रखी है उसके खिलाफ ये यात्रा बहुत अच्छी साबित होगी। जो इन्होंने, भाजपा ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये जंगल राज चला रखा है उसके खिलाफ पहली बार कोई सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है। इस यात्रा से महंगाई को दूर, ये जो इन्होंने, अच्छा एक आरोप लगातार लगते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ये भी अपने पायदान पर विफल है और जो केंद्र सरकार है बीजेपी की वो भी विफल है, यहाँ भी इसने अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए थे सब पूरे नहीं हो पाए। कांग्रेस सरकार ने आज तक किसी भी पार्टी ने 10 लाख का इलाज फ्री नहीं किया, पालनहार योजना, युवाओं को भत्ता और उसके अलावा पूरी सिकराई विधानसभा हर पंचायत में 12वीं तक क्लास विद्यालय नहीं थे, कई पंचायतों में डॉक्टर नहीं बैठते थे। गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर बिठाए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं आप लोग न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वापस राजस्थान में सरकार वापस बहुमत से बनाएगी और बीजेपी को जैसे हिमाचल से भेजा है। सीएम फेस कौन रहेगा? सीएम फेस जो हमारा आलाकमान तय करेगा, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। जनता के कुछ विचार है या फिर सब कुछ आलाकमान पर ही छोड़ दिया? जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देती है और जनता वापस 2023 में कांग्रेस पार्टी को वोट देगी और वापस राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, राहुल गांधी जी की सरकार बनाएगी और युवाओं की, किसानों की सरकार बनाएगी। अच्छा, कर्ज माफी की बात की गई थी और बेरोजगारी भत्ते की बात की गई थी, इस पर बीजेपी घेरती रही है कांग्रेस को लगातार। इसमें कितने ऐसे किसान हैं जिनका कर्ज माफ हो गया और कितने ऐसे बेरोजगार युवा हैं जिनको भत्ता मिल रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ काफी लोग हैं, यहाँ काफी लोग हैं, आप पूछ सकते हो जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, आप खुद पूछते के देखिए। अच्छा, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कर्ज माफ हुआ है? बेरोजगारी भत्ता मुझे मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता आपको मिल रहा है? ना दो तीस आया हूँ। तमाम सारे ऐसे युवा हैं जो उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, तमाम युवा पता नहीं मिल रहा है, लेकिन वो 4 महीने के लिए इंटर्नशिप लगाई ना, वो 4 महीने लिए नहीं है, वो बाकी 2 साल के लिए इंटर्नशिप है। तो उनको 4 घंटे हम कोचिंग जाते हैं, कोचिंग करने के बाद फिर 4 घंटे वहाँ जाने पड़ता ना, तो वो हमको अलाउ नहीं है सर, वैसे बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। मतलब इसमें भी झालमेल हो रहा है, झालमेल हो रहा है सर।
बताइए सर, मतलब जनता ना आखिरकार परेशान ही होती है, पिसती ही है, चाहे सरकार कोई भी आए। मैं यहाँ पर किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सब। हाँ, आप बताइए। आदमी कोई भी हो, अगर 2 महीने की प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा काम करेगा, अगर कुछ सीख के आएगा कहीं पर तो आदमी। अरे सर जी, तो ये बताइए, 2 साल के लिए बोलते हैं ना इंटर्नशिप, 2 साल में इंटर्नशिप, मैं कह रहा हूँ 3 महीने अगर आप कहीं कुछ सीखते हैं, आपको 15,000 की नौकरी मिल जाएगी महीने की, तो 3500 ज्यादा अच्छा है 15,000? मतलब फिर आप लोग ही बताइए। अच्छा, किसानों के कर्ज माफ? जी सर, पहले 4 महीने के लिए दिए थे उन्होंने, लेकिन कोई बंदा जाता है, उनके सबको समान कर दिया सर। अच्छा, किसानों की कर्ज माफी की ही बात होती है, कितने ऐसे किसान हैं यहाँ पर जिनकी कर्ज जो है उनका माफ कर दिया गया है? बहुत कम ऐसा। किसानों का कर्जा मतलब रोते हुए बच्चों को चॉकलेट खिलाने जैसा है। इस हमारे हिंदुस्तान में 75% किसान अभी भी कर्जे में डूबे हुए हैं। देखिए क्या है, बच्चा रो रहा है, बच्चों को चॉकलेट देके चुप करो, वैसे कुछ चंद किसानों को क्या करते हैं, कर्जा माफी करते हैं और मीडिया में ये दिखाते हैं कि चलो हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। असल में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो हमारी ये मांग है सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि जैसे हर गाँव में राशन मिलता है, हर गाँव में पाठशाला हमारी कांग्रेस सरकार ने शुरू कर दी है, वैसे ही किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेंटर खुलवा दी जाए। अच्छा, दो चीजें ये बताइए कि कांग्रेस सरकार, राजस्थान सरकार ने भी वादा किया था कर्ज माफी का, किया है नहीं किया है? अभी देखिए, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्ज माफी का किया था, अभी नहीं किया था। अभी जो स्टेट लेवल की गहलोत जी की सरकार है, 2018 का मैनिफेस्टो आप उठाकर देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ लोगों को उसका लाभ मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। मैं इस बात से आपके सहमत हूँ, और वो भी मिलेगा, बट केंद्र सरकार सेंट्रल से कर्जा अभी तक किसानों को खाली। और किसानों की बात की जाती है, मैनिफेस्टो में ये भी लिखा गया था कि जो स्टेट जीएसटी लगती है कृषि यंत्रों पर और जितने भी सामान आते हैं उन सब पर स्टेट जीएसटी कम कर दी जाएगी या फिर हटा दी जाएगी। देखिए इसको, जीएसटी देखिए, किसान एक देश का अन्नदाता है। देखिए बच्चे, किसानों को जीएसटी नहीं चाहिए, आप जीएसटी लगाओ, व्यापारी वर्गों को लगाओ, हम इसे समझ। यहाँ की जो स्टेट सरकार, उसने कदम बढ़ाया, हटाया जीएसटी? जी जरूर जरूर कदम बढ़ाया। किस चीज पे हटाया दिखा बताइए? देखिए आप, आपकी यहाँ पे राजस्थान सरकार में देखेंगे तो आप अभी जीएसटी लागू, और आप महाराष्ट्र में जाइए। दादा आप बताइए, आप आ जाइए इधर, किसान कितना खुशहाल है, सच सच बता दीजिए। सबसे हबड़ थबड़ हो रहा है साहब, सबका कट बन रहा है, कुछ लेना देना नहीं, किसान का कट बन रहा है, पूरा किसान का बिल्कुल किसान का कट बन रहा है ये टाइम। कुछ आप बताइए बाबा, कैसे ऐसी कोई माफ नहीं हुई है, किसानों का कट बन रहे हैं, रोड पे पड़े हुए भूखे तसाए रहते हैं, हैं? मतलब बस मंच से नेता आते हैं सभी दलों के, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, चाहे महंगा हो रहा है, बीज महंगा हो रहा है, खासे देंगे रोड पर बैठे हुए हैं, कोई भी सुध लेने वाला नहीं, नहीं लेते हैं, वोट की टाइम तो सब ले लेते हैं, और वोट पड़े बाजी कुछ नहीं है, अब तो सब अबल थपड़ हो रहे हैं, नेतान सब हो रहे हैं। जी दादा आप बताइए, आप यही मन कह दिए पूरा किसान। अच्छा, का बताइए बच्चों की पढ़ाई और दवाई ये दोनों कैसी चल रही? आ जाते हैं मास्टर, टांग के ऊपर टांग धर सो जाते हैं, घर चले जाते हैं, टांग के ऊपर टांग धर चले जाते हैं, सब स्कूल में सो जाते हैं, और या तो सोते हैं या तो मोबाइल चलाते हैं, बस करके मोबाइल देखते हैं। बच्चा पे पानी मंगा ले, तू पानी लिया, तू मैं बैठे हूँ, और टांग धरी मास्टर सो जाते हैं, और 60-70 हजार की तनख्वाह उठाते हैं, और किसान को रगड़ के कटता है। और दवाई अस्पतालों की क्या हालत? अस्पतालों की दवाई मिल रही है साहब, मिल रही है, अच्छा मिल रही दवाई, फिर पूरी बराबर। मतलब एक मामले में राजस्थान सरकार का तारीफ किया जा सकता है कि अस्पतालों की स्थिति अच्छी है, कर सकते हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल, किसानों का मतलब चिकित्सालय से पूरा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, पूरा सरकारी अस्पताल बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, सरकारी अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लाभ मिल रहा है हमको। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं, पीने के पानी के लिए भी बात होती है? अच्छा, तमाम सारी चीजों की बात होती है, क्या क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले होनी चाहिए? पानी नहीं है साहब, सबसे बड़ी बात पानी नहीं है, पानी की परेशानी है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर मैंने भी पानी पीकर देखा, खारा पानी आता है, पानी है, चंबल का नदी का पानी आना चाहिए इधर। तो यहाँ पर पानी को लेकर के कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसा मंत्री नेता है जो आगे कदम बढ़ा रहा, कदम बढ़ाए, पानी आ जाए? ERCP के लिए भी जोड़ जा रहा है, कोई मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहा सर, ये 10 बांध है, इनको जोड़ा जा रहा है, इनको कोई मंत्री ध्यान नहीं दे रहा, मतलब जनता ठगी महसूस कर रही है, ठगी महसूस कर रही है,
कोई भी आए कोई भी जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आरसीपी जल्दी जल्दी जितने भी बांध है उनको जोड़ा जाए और हमारे यहाँ पानी आ जाए। चलिए ये तो बातें हो गई, खैर जो कुछ हुआ है इस कार्यकाल में नहीं हुआ है। आप लोग सरकार किसकी चाहते हैं? अगर कंपेयर करेंगे तो जैसे मैं आपको 3-4 नाम बताऊँ, हो सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी यहाँ से अपना पर्चा भरे और कोशिश करे यहाँ से, क्या पता। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी तो यहाँ से अपना दमखम दिखा ही रही है। तो तीन पार्टियों का अगर मैं नाम लूँ, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तो तीनों में से किसकी तरफ आप लोग ज्यादा जाएंगे, भरोसा किस पर है? सर दो से तो हम परेशान है बिल्कुल, अब तीसरी को पता नहीं, वो आएगा जब पता लगेगा। तो दो से तो कांग्रेस और तीसरी पार्टी आती है तो उसकी तरफ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के और कांग्रेस के, दोनों पार्टियों के, जो उसकी तरफ झुकाव रखेंगे। हाँ सर है। अच्छा आप लोग ये चाहते हैं कि मतलब अच्छा इस मतलब भारत देश के अंदर बढ़िया विकास करे, कोई भी मंत्री हो कोई भी अधिकारी हो, जी मतलब अधिकारियों के पास जाए तो ये नहीं कि आज वो अधिकारी नहीं आया, भ्रष्टाचार मच रहा है तो मतलब ये क्या कि हर चीज में साइन कराने ले जाए तो साइन कर, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है राजस्थान में, भ्रष्टाचार है कांग्रेस के राज में। सर जी जी सरपंच साहब है। अच्छा ये सरपंच साहब है, सरपंच साहब ये हैं, देखो मेरे पास सही बताइए, मजाक मत, मजाक नहीं हूँ। कौन है सरपंच? मैं सरपंच नहीं हूँ साहब, ये तो ऐसे बोल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि हमारे जो देश के अंदर जो अच्छा विकास हो ना वो ही काम होना चाहिए जी। पानी की व्यवस्था है, कोई भी गरीब आदमी, गरीबी है तो गरीबी को दूर करना चाहिए, गरीब आदमियों के लिए सहायता देनी चाहिए जी। चलिए यहाँ पर यात्रा आ रही है तो यहाँ पर सुरक्षा के कारणों से यहाँ पर पब्लिक को हटाया जा रहा है, रास्तों को खाली करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और जी जी दादा बताइए क्या कह रहे हैं? है? हम तो पानी की व्यवस्था कर दी, अब तो सबसे ईआरसीपी जो जोड़ेगा जितने भी बांध है हमारे यहाँ उनको वोट दे जाएगा। तो अच्छा ये बताइए दो पार्टियों अगर मैं नाम लूँ, तीसरी तो अभी है नहीं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों में से ज्यादा भरोसा किस पर है? सर दोनों पार्टियों में कोई भी जितने भी जो ईआरसीपी का मुद्दा चल रहा है उनमें जितने जो भी बांध जोड़ेगा उनको उनकी तरफ वोट के झुकाव है पूरा। तो एक साल में तो ये काम होने वाला है नहीं, कहने को कह देंगे कि हाँ हम करेंगे दोनों पार्टियां, वो भी कह देंगी हम करेंगे, कहने में तो मैं भी कह देता हूँ कि हम सब मिलकर कर लेंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, झूठ बोलना सबसे आसान है। तो क्या लगता है फिर ये झूठ किसकी तरफ भारी पड़ नहीं है? सर जैसे कांग्रेस बीजेपी है अभी दोनों पार्टी दोनों मुद्दे मुद्दा उठा लेती है कि मेरा जिम्मेदार है बीआरसीपी जोड़ने का तो उनकी तरफ झुक जाएगी, नहीं तो तीसरी पार्टी को ही देखेगा सर, तीसरी पार्टी की तरफ। चले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का बातचीत के लिए। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, आपने देखा कि जाहिर सी बात है ये हर जगह हर राज्य में दशा जो है एक जैसी ही बनी हुई है, कहीं की भी बात कर ली जाए जो सरकारें वादा करती हैं वो पूरा नहीं करती हैं, दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन वो समय बीत जाता है और सब खोखले साबित होते हैं। बहरहाल इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।